समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अरशद खान का उरई आगमन पर सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मोहम्मद अरशद खान ने बताया कि प्रदेश में गठबंधन 80 सीट जीतकर भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। विजय माल्या भाग गया, ये कैसा चौकीदार है, किसकी चौकीदारी में। साथ ही मोहम्मद अरशद खान ने सपा गठबंधन प्रत्याशी के लिए जीत की अपील भी की। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल जो महागठबंधन बना है, इसकी आंधी चल रही है। सन 1977 में जनता पार्टी बनी थी, जैसे कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था, उसी तरह 2019 में गठबंधन के सामने बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है और लगभग 70 प्लस सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। हम जालौन उरई लोकसभा की जनता से अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। के लिए तमाम परेशानी और अपमान उठाना पड़ता है। हमारी 125 करोड़ आबादी है, हमारे पास बहुत बड़ी फौज है, एटम बम है। हमने मोदी जी से कहा, कहिए चाइना से हमारी सीमाएं छोड़ कर चला जाए और कैलाश मानसरोवर को मुक्त कर दे। अगर मोदी जैसा आंदोलन चलाते, युद्ध की तैयारी करते, तो हमने 5 साल में कई मरतबा ऐलान किया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अरशद खान ऐलान करता हूँ कि हम 1 लाख हिंदू 1 लाख मुसलमान लेकर चाइना बॉर्डर पे आगे खड़े मिलेंगे और महादेव शंकर जी की जन्म स्थली के लिए पहली कुर्बानी की जरूरत होगी तो मुसलमान के बेटे हो।